Hello and welcome to my YouTube channel, Study Time with Priyanka. सो फाइनली सीबीएसई बोर्ड ने क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को रिलीज कर दिया है फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2023 एंड 24 जिसके लिए आप सब क्लास के के स्टूडेंट्स बहुत दिनों से वेट कर रहे थे सो so आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को ही डिस्कस करने वाले हैं सो so इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आप लोगों को सिंपली चैप्टर्स के नाम बताऊंगी जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है साथ ही साथ हर एक चैप्टर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिर आप इन सारे चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हो सो so, आज का ये वीडियो अब, लिए होने वाला है। so, so, now, अब बिना हम क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री सब्जेक्ट के को डिस्कस करना स्टार्ट करते so, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री सब्जेक्ट सो so, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री में आप लोगों को थ्री बुक्स पढ़ना है पहला बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन दूसरा बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट टू एंड तीसरा बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थ्री साथ ही आप लोगों को यह भी पता होगा कि इस साल आपके सारे ही एनसीआर बुक्स को रिवाइज किया गया है आपके लेटेस्ट लेवल्स के अकॉर्डिंग सो आपका जो हिस्ट्री का बुक है फॉर क्लास ट्वेल्व सो इस बुक को भी रिवाइज किया गया है सो so, अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता है एन के न्यू बुक्स के बारे में सो so, आई बटन पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा सो so, उस वीडियो के थ्रू आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अबाउट द न्यू एन बुक्स सो so, अभी फिलहाल हम लोग आपके हिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं सो so, आपका जो पहला बुक है इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन सो इस बुक से टोटल मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जो दूसरा बुक है पार्ट टू इस बुक से भी टोटल ट्वेंटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आपका जो तीसरा बुक है पार्ट थ्री इसमें भी आप लोगों से ट्वेंटी फाइव मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड बाकी का जो फाइव मार्क्स है वो आपको अपने मैप बेस्ड क्वेश्चन से मिलेगा सो टोटल हिस्ट्री में आप लोगों को 80 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम देना है एंड बाकी का जो 20 मार्क्स है वो आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क से मिलेगा या फिर आपके स्कूल में जो इंटरनल असाइनमेंट दिया जाता है उससे मिलेगा सो टोटल हिस्ट्री में हंड्रेड मार्क्स बन जाता है सो so, नाउ अब हम लोग आपके सारे ही एन बुक्स के लेटेस्ट लेवल्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सो so, आपका जो पहला बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन सो इस बुक में आप लोग हमारे इंडियन सब के हिस्ट्री के हिस्ट्री बारे में पढ़ने वाले हो सो so, पहला चैप्टर चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हरप्पन सिविलाइजेशन सो इस चैप्टर में आप हमारे इंडियन सब के पहले सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हो जिस सिविलाइजेशन का नाम है हरप्पन सिविलाइजेशन जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है सो so, इस चैप्टर में आप लोग हरप्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी के बारे में पढ़ोगे हरप्पन

इम्पोर्टेंट महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हो मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हो और चंद्रगुप्त मौर्या और अशोका जैसे ग्रेट एंड पावरफुल एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हो सो चैप्टर नंबर सेकेंड भी आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है नाउ जो तीसरा चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है किनशिप कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज सो इस चैप्टर में आप हमारे इंडियन सब के अर्ली सोसाइटीज के बारे में पढ़ने वाले हो यानी कि शुरुआत के समाज के बारे में पढ़ने वाले हो विद द हेल्प ऑफ महाभारता सो so, चैप्टर नंबर थर्ड भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड जो चैप्टर नंबर फोर थे जो कि आपके इस बुक का लास्ट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है so सो इस चैप्टर में, so में आप वर्यस रिलीजन के बारे में पढ़ने वाले हो जैसे कि बुद्धिज्म जैनिज्म एंड हिंदुज्मोर so भी आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड इन चारों चैप्टर से मिला के टोटल आपके एग्जाम में ट्वेंटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा सो so, चाहे आप अपने पुराने हिस्ट्री के पार्ट वन एन बुक को चेक करो या फिर नया हिस्ट्री का पार्ट वन एन बुक को चेक करो दोनों ही बुक में आपको चार चैप्टर्स मिलेगा एंड ये चारों ही चैप्टर्स आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है सो so, नाउ अब हम आपके दूसरे हिस्ट्री बुक के सिलेबस को चेक करते हैं सो so, आपका जो दूसरा हिस्ट्री बुक है उस बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट टू एंड इस बुक में आप हमारे इंडियन सब के मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हो सो इस बुक का जो पहला चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड चैप्टर नंबर फाइव उस चैप्टर का नाम है थ्रू द आईज ऑफ परसेप्शन ऑफ सोसाइटी सो इस चैप्टर में आप थ्री इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हो द ट्रेवल अकाउंट ऑफ अल बिरूनी द ट्रेवल अकाउंट ऑफ इबन बतूता एंड द ट्रेवल अकाउंट ऑफ फ्रंसबा बर्नियर नाम so, so, आपका वाले हो साथ ही साथ इस चैप्टर में आप इस्लामिक रिलीजन के बारे में पढ़ने वाले हो सूफिज्म के बारे में पढ़ने वाले हो वक्ति मोवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो और साथ ही साथ कबीर गुरु नानक एंड मीराबाई के बारे में भी पढ़ने वाले हो ना आपके सिलेबस का जो सेवन्थ चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है एन एम्पेरियल कैपिटल विजयनगर सो इस चैप्टर में आप लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हो एंड आपके सिलेबस का जो एट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पीजन जमींदार्स एंड द स्टेट्स एग्रीय सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर सो इस चैप्टर में आप हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एग्रीय सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हो विलेजेस के बारे में पढ़ने वाले हो और साथ ही साथ मुगल एम्पायर के बारे में भी पढ़ने वाले हो सो so, और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपका क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री का जो नया एन जो पुराना टी बुक है सो so दोनों ही बुक के के अंदर कंटेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है चैप्टर्स के टॉपिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है बट जो नया NCRT बुक है क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री का सो so उस बुक में जो भी चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है सो so उन सारे ही चैप्टर्स को आपके नए एनसीआर बुक से भी रिमूव कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत ना आए बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास पुराना एन Book है, so वो उस पुराने book से भी अपना पढ़ाई कर सकता है बुक में कोई भी डिफरेंस नहीं है chapters के में में कोई भी भी नहीं है, है, so आपका जो चार आपके सिलेबस में एंड इन चारों से टोटल ट्वेंटी फाइव मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में नाउ अब हम आपके जो तीसरा एनसीआर बुक है हिस्ट्री का उसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं आपके हिस्ट्री के स्लीवर्स का जो नाइन चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कलोनियनिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल और सो so, इस चैप्टर में आप लोग ये पढ़ने वाले हो कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमारे इंडियन सब को अपना कॉलोनी बना लेते हैं साथ ही साथ आप लोग इस चैप्टर में बंगाल के ज़मींदार्स के बारे में भी पढ़ोगे और हमारे इंडियन सब के कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पढ़ोगे सो so, ये चैप्टर आप लोग के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड आपका जो पुराना एन बुक है पार्ट थर्ड का सो so उस बुक में ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर टेन है सो आपके पुराने एन बुक का आपको चैप्टर नंबर टेन पढ़ना है ना आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड so, आप हमारे के पहले वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ने वाले हो 1857 के बारे में पढ़ने वाले हो सो so, इस चैप्टर में आप रिवॉल्व के रीजन के बारे में पढ़ने वाले हो साथ ही साथ ये जो रिवॉल्व था वो कैसे सप्रेस कर दिया गया सो इसके बारे में भी पढ़ने वाले हो सो ये जो

एंड ये जो चैप्टर है ये आपके पुराने एन बुक का चैप्टर नंबर थर्टीन है सो so आपके पुराने एन बुक का जो चैप्टर नंबर ट्वेल्व था कॉलोनियल सिटीज सो उस चैप्टर को आपके सिलेबस से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है आपको डायरेक्टली अपने पुराने एन बुक का चैप्टर नंबर थर्टीन पढ़ना है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट नाउ जो लास्ट चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, 12, उस का नाम है so, इस में आप लोग हमारे इंडियन के बारे में पढ़ने वाले हो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है एंड ये चैप्टर आपके पुराने एनसीआर बुक का फिफ्टीन चैप्टर है सो so, आपके पुराने एन बुक का जो फोर्टीन चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन उस चैप्टर को भी आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबर से डिलीट कर दिया गया है आपको डायरेक्टली अपने पुराने एनसीआर बुक का चैप्टर नंबर

एंड आपका जो तीसरा बुक है पार्ट थर्ड सो पार्ट थर्ड में भी टोटल फोर चैप्टर्स इंक्लूडेड है आपके चैप्टर में एंड इन चारों चैप्टर से अगेन ट्वेंटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड बाकी का जो पाँच मार्क्स so, है. है वो आपको अपने मैप वर्क से मिलेगा सो टोटल एट्टी मार्क्स बन जाता है एंड बाकी का जो ट्वेंटी मार्क्स है वो आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क से मिलेगा सो टोटल हिस्ट्री का हंड्रेड मार्क्स बन जाता है सो so, जिस भी स्टूडेंट के पास क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री का न्यू बुक है सो so, न्यू बुक में जितने भी चैप्टर्स इंक्लूडेड है वो सारे ही चैप्टर्स आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया गया है सो so, आपको अपने न्यू बुक के हर एक चैप्टर को करना है Whereas, ऐसे जिनके पास पुराना एनसीआर का बुक है सो so, पुराने एनसीआर बुक में टोटल फिफ्टीन चैप्टर्स थे एंड फिफ्टीन चैप्टर्स में से थ्री चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है चैप्टर नंबर नाइन जिसका नाम था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर ट्वेल्व जिसका नाम था कॉलोनियल सिटीज एंड चैप्टर नंबर फोर्टीन जिस चैप्टर का नाम था So, total 12 है आपके आपको बहुत लाइन बाई लाइन समझना है देन आप मेरे एक्सप्लेन वीडियो के थ्रू अपने क्लास ट्वेल्व के हिस्ट्री के सिलेबस को कम्प्लीट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके ऐसी सो so, आपको मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोज का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो आई होप कि आपको अपने लेटेस्ट क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सो so सीबीएसई बोर्ड ने लेटेस्ट क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री के सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसको भी रिलीज कर दिया है सो so अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को प्लीज कमेंट में डाउन मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स को डाउनलोड करना है न्यू एडिशन वाला सो so आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड एंड करते हैं आई रियली होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो अगर आपको आज का ये वीडियो वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स ताकि उनको भी क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री के लेटेस्ट लेवल्स के बारे में पता चले एंड अगर आपको क्लास ट्वेल्व के दूसरे सब्जेक्ट के भी लेटेस्ट लेवल्स को जानना है देन प्लीज कमेंट मी डाउन मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन भी मिल जाए सो नाव सी ऑल सो इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दें बाय बाय एंड स्टेट इथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो